हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक सेक्शंस बताऊंगी कुछ क्लॉक में, जो नॉर्मल हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो तो करते ही हैं, पर जैसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें वो चीजें नहीं लगती हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन से अलग तरीके होते हैं जिसमें जो चीज हम लगाते हैं वो नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप स्वागत करती हूँ आपको, और जो बच्चे नए आज पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, जल्दी देखते हैं। अगर आपने पहले बार क्लास देखे हुए तो मैंने आपको सिखाया था कोई भी एंगल दे रखा हो और वहां से हम टाइम निकालना सीखते हैं। ये मैं आपको पिछले क्लास सिखा चुकी हूँ। तो आज मैं स्पेशली बात करूंगी 180 एंगल डिग्री के एंगल की और 0 डिग्री के एंगल की, ये हम स्पेशल बात करने वाले हैं। ये स्पेशल क्यों है, सबसे पहले ये सुन लीजिए। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो इनके अलावा कोई भी एंगल हो, 10, 15, 20, 25, 45, कोई भी एक्स वाई जेड, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना छोटा एंगल हो, हमेशा दो केस बनते हैं। हमेशा ऐसे दो समय होंगे जब ऐसे 45 को मान लीजिए, 45 का ऐसे दो समय होंगे जब उनके बीच में 45 का एंगल बनेगा, पर 0 डिग्री और 180 वाले डिग्री का केवल एक ही केस बनता है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनमें हमेशा एक केस बनेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए 180 डिग्री का मतलब क्या होता है। कभी अभी आपको दे रखा होगा, बताओ 3-4 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो मतलब समझ जाना 180 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। तब जब भी हम अपोजिट की बात करेंगे, अपोजिट जब भी बात होगी, हमेशा 6 को पकड़ लेंगे अपने हाथ में। पकड़ लिए 6 को पकड़ लो, कस के पकड़ लो 6 को, जब भी विपरीत की बात होगी। अब देखो 6 बजे से हम जाना कहाँ पे, 3-4, मतलब हम ये छोटे वाले बात करेंगे, छोटे वाले की 3 तक जाना है, 6 से 3 पे जाना है। दो रास्ते हैं, एक है रास्ता ये वाला, एक रास्ते से घूम के जाने वाला। कौन सा अपनाएंगे? हमेशा रास्ता वो अपनाएंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो घड़ी की दिशा में हो, जो घड़ी की दिशा में हो, उसी रास्ते को हमें अपनाना है हमेशा। तो ये रास्ता अपना पटन हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिनट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स, टोटल घंटे कितने हैं, इनटू का 60/11। ये इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। आवर्स का मतलब 6 से 3 बजे तक कितने घंटे बजेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 6 7 8 9, कितने घंटे होंगे, 9 घंटे हो जाएंगे। तो 9 × 60/11 540/11 हो गया। तो मतलब ये क्या है आपके पास, मिनट्स है। ये कितना है, मिनट्स है, मतलब 3:540/11 पे ऐसा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। सिंपल, क्लियर। ऐसे एक सवाल और देखते हैं, ये है आपका 0 डिग्री का केस, कि घड़ी की दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हमसे पूछा जाएगा। सेम वही चीज है, लेकिन 0 में अलग क्या है, हमें 12 को पकड़ना पड़ेगा। किसको, 12 को। जैसे हमने 6 को पकड़ा यहाँ पे, 6 से हमने काउंट किया 3 की तरफ गए। कोई भी टाइम समय दे रखा होगा, काउंट हमेशा हम 6 से ही करना चालू करेंगे, ठीक। ऐसे 0 डिग्री केस में हमेशा 12 से काउंट करेंगे, 12 से 3 जाने। दिशा कौन सी, घड़ी की दिशा, ये दिशा हो गई। तो वही फॉर्मूला हो गया, मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, इज इक्वल टू 1, 2, 3 घंटे इंटू का 60/11। मिनट कितना हो गया आपका, 6×18 = 180/11 आपका आंसर हो गया। सिंपल, मतलब 3:180/11 पे आपका ये टाइम होगा कि घड़ी की दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बताओ कितने बच्चों को समझ में, सिंपल था, सिंपल केस था। हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों के अलावा, 0 और 180 के अलावा, हर एक केस में दो ही एंगल बनने वाले हैं सिवाय इन दोनों के। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, हमेशा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लगा, देखो छोटा सा टाइम था, हाल निकल गया आपका। अगर आपको लगा आपने कुछ नया सीखा है, कुछ चीज अच्छी सीखी है, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको एक और नया कंसेप्ट सिखाऊंगी अगले टॉपिक का, ठीक। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।